Dear students, welcome. In the previous class, you have studied about liver. Now, you will study about example of kinds of liver. Example of kinds of liver mein, first kind of liver mein, dekhiye, first kind of liver jo hota hai, usme fulcrum darmiyan mein hota hai, aur a end pe effort और दूसरे एंड पे वेट. इसलिए लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड में सबसे पहले एग्जांपल देखें पेयर ऑफ सीजर. ये कैंची आप घरों में इस्तेमाल करते हैं और आपकी देखी वाली है. देखिए यहां पर हम कपड़ा रखते हैं विच इज लोड और यहां पर हम ये फल्क्रम है. यहां से ये पिवट करती है, मूव करती है और यहां पर आपका हाथ होता है, यहां से पकड़ते हैं तो ये होगी एफर्ट. दूसरी एग्जाम्पल है आर्म बैलेंस और फिजिकल बैलेंस. आर्म बैलेंस यहां से आप पकड़ते हैं, एक साइड पे आप सौदा सल्फ डालते हैं और एक साइड पे बाट डालते हैं. बाट जो है वो एफर्ट है और आपका सौदा सल्फ जो चीज आप खरीदते हैं वो लोड है. और यहां से पकड़ा जाता है तो ये मूव करता है और जब बैलेंस हो जाता है तो दुकानदार आपको ये दे देता है. तो ये आर्म बैलेंस ये है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर. इसी तरह आपने पार्क में देखा होगा बच्चों का सीसा. बच्चों का सीसा एक साइड पे एक बच्चा बैठता है, दूसरे एंड पे दूसरा बच्चा बैठता है. तो एक एफर्ट है, दूसरा लोड बन गया और दरमियान में फलक्रम है. तो ये भी फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है. और लीवर ऑफ सेकेंड काइंड, लीवर ऑफ सेकेंड काइंड में वेट दरमियान में होता है, फल्क्रम एंड पे होता है और एफर्ट दूसरे एंड पे होती है. अगर आप एग्जांपल देखें, आपने देखा होगा जब मकान बन रहे होते हैं तो लेबर ये ट्रॉली इस्तेमाल करती है, इसको कहते हैं व्हील बारो. देखें दरमियान में लोड होता है और ये फल्क्रम और यहां से मजदूर पकड़ के इसको ले जाते हैं. तो ये हो गया एफर्ट. तो ये भी सेकंड काइंड ऑफ लीवर. इसी तरह आपने देखा होगा नट क्रैकर. कभी आपने गंडेरियां वगैरह खाई होंगी तो ठेले पे इसका जो होता है डबली दरमियान में और फल्क्रम एंड पे और दूसरे एंड पे क्या होता है एफर्ट. तो ये भी नट क्रैकर. और दूसरा आपने देखा होगा हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा क्या करती हैं, सुपारी काट रही होती हैं. तो वो भी सेकंड काइंड ऑफ लीवर है. दरमियान में सुपारी रखते हैं, वो लोड है और एंड पे एफर्ट इस्तेमाल होती है. तो इसी तरह ये एंड पे फल्क्रम, सो इट इज सेकंड काइंड ऑफ लीवर. इसी तरह आपने देखा दरवाजा. दरवाजा जो है उसका ये फ्रिंजेस हैं, यहां से दरवाजा मूव करता है और यहां पर आप एफर्ट इस्तेमाल करते हैं और दरमियान में लोड है. तो इसको हम सेकंड काइंड ऑफ लीवर में शामिल करते हैं. इसी तरह थर्ड काइंड ऑफ लीवर में देखें, एफर्ट सेंटर में होती है, एक साइड पे फल्क्रम और एक साइड पे लोड होता है. आप देखें फायर टॉम्स, ये जो है खवातीन ये चिमटा इस्तेमाल करती है रोटी पकाने के लिए, इसको फायर टॉम कहते हैं. देखें ये दरमियान से वो एफर्ट इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद ये बीच में डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू में बीच में वेट होता है. तो ये भी सेकंड काइंड ऑफ लीवर है. क्या है? सेकंड काइंड ऑफ लीवर, क्योंकि दरमियान में एफर्ट और एंड एंड पे रोटी उठाती हैं और यहां पर फलक्रम हो गया. उसके बाद आप देखें ये हमारी स्टेपलर मशीन होती है, यहां पर आप पेपर रखते हैं और सेंटर से फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फल्क्रम हो गया स्टेपलर. इसी तरह ह्यूमन आर्म, ह्यूमन आर्म भी थर्ड काइंड ऑफ लीवर है, क्योंकि हाथ में आप कोई चीज उठाते हैं और आपके जो शोल्डर है वहां से मूवमेंट होती है और सेंटर से क्या होता है आप फोर्स अप्लाई करते हैं.
इसी तरह पैरा फोर्स है, चिमटी देखी हुई होगी आपने, जो डॉक्टर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं उससे चीज उठाने के लिए। तो देखिए ये यहां से वो उठाते हैं, यहां लोड हो गया और यहां पर एफर्ट अप्लाई करते हैं, ये फलक्रम हो गया, तो इसको हम फोर्सेप्स कहते हैं। और ये भी थर्ड काइंड ऑफ लीवर है। उसके बाद ये तो एग्जांपल्स थी लीवर की, आपने अपनी कॉपी पे ये तमाम डायग्राम बनानी है इन एग्जांपल के साथ। और उसके बाद हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, यानी लीवर का प्रिंसिपल क्या है। देखिए लीवर का प्रिंसिपल ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, देन द लीवर इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि लीवर जो है वो तवाजुन में हो, बराबर हो, ना इधर झुका हुआ हो ना इधर झुका हुआ हो, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक साइड पे एफर्ट और दूसरी साइड पे अगर लोड है, अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो आपका लीवर मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप एफर्ट बढ़ाएंगे तो आपका लीवर मूव करेगा क्लॉकवाइज। तो हम टॉर्क की तरफ आते हैं, ये आपने सिक्स चैप्टर में पढ़ा है, टॉर्क टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस आर्म, लाइकवाइज दिस इज फोर्स दिस इज डिस्टेंस, सो इट इज टॉर्क। इसी तरह W is also force and D is distance, it is also torque but it is anti-clockwise. Anti-clockwise आप समझ गए होंगे कि जो आपकी घड़ी की सेकंड की सुई चल रही है उस निडल को आप देखें, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आप देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन अगर आप इधर अपोजिट देखें तो ये अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इन दोनों टॉर्क्स को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल, देन द लीवर इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर। आपने ये सब डायग्राम अपनी कॉपी पे बनानी है और साफ सुथरी डायग्राम होनी चाहिए और साफ लर्निंग करनी है। और अगर आपको कोई क्यूरी हो देन कमेंट्स। थैंक यू।